अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरे चैनल जॉब जीनी में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूईटी लाहौर की बहुत ही लेटेस्ट और ज़बरदस्त जॉब्स। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों सीट्स अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कैंपसेस में सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के जो डिटेल है हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हम शुरू कर लें अपनी वीडियो को। ठीक है जी, सिंपली आप गूगल पे यूईटी जॉब्स लिखेंगे तो यहाँ पे उसका जॉब पोर्टल खुल जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का ही पोर्टल है। यहाँ पे आप वैकेंट पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टिजमेंट जो है ऑफिशियल इनकी वेबसाइट की, वो आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो टीचिंग पोजीशंस हैं, जिसमें जो पहली पोस्ट है हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर बीपीएस 20 स्केल की है। कैंपस में जो है हमारे पास मेन कैंपस के डिपार्टमेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इनकी एक एक सीट अवेलेबल है। फिर फैसलाबाद कैंपस में मैथमेटिक डिपार्टमेंट की एक सीट अवेलेबल है। फिर जी गुजरांवाला कैंपस में हमारे पास मैथ्स के लिए एक सीट अवेलेबल है। नारोवाल कैंपस में केमिस्ट्री की एक सीट अवेलेबल है और न्यू कैंपस में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक सीट अवेलेबल है। इसी तरह अगली जो है हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर की है, जिसमें मेन कैंपस में चाइना स्टडी सेंटर डिपार्टमेंट की एक सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएस 19 स्केल की जॉब। इसमें जो है मेन कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक सीट है हमारे पास। फिर न्यू कैंपस के लिए मैथ की एक है, बेसिक साइंसेस की एक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की एक सीट अवेलेबल है। फैसलाबाद कैंपस की एक सीट है। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं, गुजरांवाला कैंपस की है और नारोवाल कैंपस की, दो दो सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर जी लास्ट में जो है इसमें हमारे पास जो है टीचिंग के लिए लेक्चरर की है बीपीएस 18 स्केल की जॉब है, जिसमें मेन कैंपस में हमारे पास कंप्यूटर साइंसेज में है और ये चाइना स्टडी सेंटर मटेरियल इंजीनियरिंग वगैरह की 5 और 1 इस तरह की सीटें अवेलेबल हैं। फैसलाबाद कैंपस की है कंप्यूटर साइंसेज की, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है, गुजरांवाला के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, न्यू कैंपस में जो है हमारे पास एनर्जी इंजीनियरिंग की है और नारोवाल कैंपस में इस्लामिक स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंसेज की 5 और 2 1 सीटें इस तरह डिफरेंट से हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर जनाब आ जाती हैं हमारे पास नॉन टीचिंग पोजीशंस। इसमें जो है पहली पोस्ट हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल की है बीपीएस 18 स्केल की, मेन कैंपस की जॉब है, इसकी एक सीट अवेलेबल है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी हर जॉब के आगे मेंशन की गई है। उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल बीपीएस 18 स्केल की फैसलाबाद कैंपस के लिए एक सीट अवेलेबल है। सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसकी लमसम सैलरी मंथली सैलरी जो आपको दी जाएगी वो 150,000 दी जाएगी। मेन कैंपस की ये जॉब है और इसकी एक ही सीट अवेलेबल है। फिर जी नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल ऑफिसर बीपीएस 17 स्केल की जॉब है, जो कि गुजरांवाला कैंपस के लिए है, एक सीट अवेलेबल है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जॉब है, इसकी भी एक पोजीशन है हमारे पास। प्रोक्यूटमेंट ऑफिसर की है, एक सीट है, प्रोक्यूटमेंट असिस्टेंट की है और ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब है उसकी 3 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाती है डिप्टी मैनेजर, आईटी मैनेजर या सॉफ्टवेयर डेवलपर की आप कह सकते हैं ये जॉब है, एक सीट अवेलेबल है। यहाँ पे अच्छी खासी आपको क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट स्किल्स वगैरह जो भी जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो भी काफ़ी डिटेल से मेंशन की गई हैं। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मजीद जो हमारे पास जॉब है वो है हॉर्टिकल्चरिस्ट की है, एक सीट अवेलेबल है। माली की है, जिसकी 20 सीटें अवेलेबल हैं, माली की काफ़ी सारी सीट्स हैं। उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर की है, 2 सीटें अवेलेबल हैं। ड्राइवर बीपीएस 5 स्केल की, मेन कैंपस के लिए 2 सीटें हैं। लैब टेक्नीशियन बीपीएस 11 स्केल की, एक सीट है फैसलाबाद कैंपस के लिए। और आखिर में हमारे पास ऑटो मैकेनिक की बीपीएस 11 स्केल की, मेन कैंपस के लिए एक सीट अवेलेबल है। ठीक है जी, बहुत सारी सीटें हैं, आप इसको काउंट करें तो ये अच्छी खासी सीटें बन जाती हैं, जिसपे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग की भी है नॉन टीचिंग की भी है। अब आ जाते हैं जिस पे अप्लाई करने के तरीके पे। अप्लाई करने की सबसे पहले डेट देख लें, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 5 जनवरी 2023 है हमारे पास। उसके बाद अप्लाई करने के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 45 साल तक की बताई गई है। उसके अलावा आपको जो है चालान फॉर्म जमा कराना होगा 2000 रुपये का,
ठीक है, यूईटी लाहौर और या जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेशन के साथ आपको इसकी जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है यूईटी का, आपको देख लें यहाँ ऊपर दिया होगा, या आप नेट से भी चेक कर सकते हैं, यूईटी का एड्रेस उधर जमा करवाना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे लिंक दिया गया है यूईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप इस पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आपके पास खुल जाएगा, आप इसको पूरा फिल करेंगे और सेव इन्फॉर्मेशन करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, इजी सा प्रोसीजर, इस पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त मौका है, यूईटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, डिफरेंट कैंपसेज हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।